नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त शेषदेव साहू महोदय। से प्रातः काल रु महाप्रभुंकर पावन श्रीक्षेत्र रु सीधा प्रसारण माध्यम रे अनेक तथ्य अनेक प्रकार रो महाप्रभुंकर कथा आपण मानक सम्मुख रे जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे आपण माने श्रवण करथिले एवं देखुथिले। ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅପୂର୍ବମୟ କ୍ଷେତ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅଶେଷ ଲୀଳା। କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଇଏ ଲୀଳାକୁ କିଏ ବା ଜାଣିଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ସର୍ବାଦୌ ଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆମେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁକୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି, କାରଣ ମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାଦେବି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ପବିତ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧବାର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପାସନା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି, ଆଜି ଯେଉଁ ମହାନ ଦିବସ ପଙ୍କୌଧାର ଏକାଦଶୀ, ଏ ଏକାଦଶୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁର ଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ମୃଗଧରମ ବନ୍ଦେ ପଶୁନାମ୍ପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିନୟନମ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଞ୍ଚ ବରଦୁ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଯିଏକି ମହାଦେବ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁଟି ହେଉଛି ମହାଦେବ, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଞ୍ଚ ମହେଶ୍ୱର, ତୃତୀୟ ଶଙ୍କର ନାମ ଚତୁର୍ଥେ ବୃଷବଧ୍ୱଜ, ପଞ୍ଚମେ କୃତିବାସଞ୍ଚ ଷଷ୍ଠେ କାମାଙ୍ଗନାଶନ, ସପ୍ତମେ ଦେବଦେବେଶ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଥାଷ୍ଟମମ, ଦଶମେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରିୟ
शिव नाम एकाद संभवित, अर्थात भगवान शंकरंकर एकादश नाम को जी प्रातकाल स्मरण करे, पुनी एकादशी तिथि कारण जहाँ को पंकोद्धार एकादशी कह जाए छि, एकादशी तिथि प्रशस्त एकादश नाम, ये एकादश नाम को जी एकादशी तिथि रे भगवान शंकरंकर स्मरण करिव निश्चित भावरे तार कल्याण हुए, एतरे संदेह नाही। सेथिपाई आजीर एकादशी वर्ष मध्यरे 24 टी जो एकादशी भोग होचंती, एकादशी मध्यरे जहाँ की आजीर एकादशी टी हेला पंकोद्धार एकादशी, भगवान शंकरंकर दर्शन पाई प्रशस्त। तार कारण कौन? भगवान शंकर होचंती जलधार प्रिय शंभु, जलधार रे भगवान शंकर होचंती संतोष होइतांती, सेथि पाई पंकोद्धार एकादशी रे भगवान सदा सर्वदा जल भितरे थांती। कारण जदिच अनेक स्थान रे आपण माने देखुचंती भगवान शंकरंकर शक्ति लिंग दर्शन करूचे आमे, किंतु प्रख्यात स्थान मानंकरे पूर्व कालरु प्रभु से जल भितरे बुड़िकिरि थांती, तेनु जल भितरे जेहेतु बुड़िकिरि थांती भगवान शंकरंकर लिंग दर्शन समस्ते पाई पारंती नाही। कारण अनेक स्थान रे जदि च भगवानंकर लिंग दर्शन अछि, प्रख्यात प्रख्यात स्थान रे खाली श्रीक्षेत्र नुह, श्रीक्षेत्र को आधार करी भारत बर्षर अनेक स्थान रे भगवान शंकर सही जलभाग मध्य रे अछन्ति, एवं से जलभाग मध्य रे से दिन पंको उधार हुए, अर्थात पंको उधार पुनी कौन? पंको उद्धार एकादशी रो गोटे अन्य नाम होचंती विजया एकादशी, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी पंको उद्धार एकादशी कह जाए, एवं विजया एकादशी मध्य एकादशी की कह जाई थाए। सेथिपाई ब्रह्मा फाल्गुन जहा कि नारद को ई सब ब्रह्मा नारदंकर कथोपकथन मध्यरे ये एकादशी टीर नाम को भगवान ब्रह्मा विजया एकादशी बोली कहिले, तेणु यही व्रत द्वारा ये एकादशी व्रत टी जी करे तार होचंती महापुण्य ही थाए, एवं पाप मध्य नाश हुए, कारण यार अन्य नाम टी पंको उद्धार। पंको उद्धार कौन? एपटे आउ गोटे दृश्य आम देखुचे, भगवान श्री पतित पावन नारायणंकर पूजा पंडा सेवक शुद्धपूत भावरे महाप्रभु को जेहेतु प्रभुंकर अवकाश एवं अवकाश परे कालिया शांतंकर बेश श्रृंगार होता है, से तत्पर है गोटे नील वस्त्र, कारण आज हूँ बुधवार जेहेतु भगवान को गोटे नील वस्त्र रे भूषित कले, अर्थात प्रभु पतित पावन नारायणंकर बेश श्रृंगार आरंभ हो। ये बेश श्रृंगार पूजा पंडा सामंत प्रत्यह आपण माने आमर जय जगन्नाथ टीवीर पर्दा उपर देखती विविध प्रकार बेश करता, कारण प्रत्येक दिन
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ଅଲଗା। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାର ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାର ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ସେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ। ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେବାର କଥା, କାରଣ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ମାଧବ, ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ତାର ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସେବା କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତବ ପାଦ ସେବା ଏକଇ ସମ୍ପଦ, ଦେବାକୁ ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ, ଭୂଷଣ ଅଟଇ ମଢ଼ିଆଳ ଧଣ୍ଡା, ଶିଶ ପାଶୀର ବି ଭବ। ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ମଣିମା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ଆପଣ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି। ଖାଲି ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଦି ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସିଂହାରୀମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଦି ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାତକାଳୀନ ନିତ୍ୟ ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦା ଉପରେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କହିଛେ। କାହିଁକି ନା ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରଟା, କହିଲା ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର, ପାପ ପଙ୍କେ ଗଢ଼ା ସଦା ନାହିଁ ତିନି ସ୍ତାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଗତିଦାତା ସାରା ସଂସାରରେ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜୁଛି ଚେତା ଚୈତନ୍ୟରେ। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ସଂସାରଟି ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର, ଇଏ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ସଂସାର ବି ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ସରିବ, ଛିନ୍ନତି ଇତି ଶରୀର ସଞ୍ଚର ଇତି ସଂସାର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରିବ। ପାପ ପଙ୍କେ ଗଢ଼ା ସଦା ନାହିଁ ଟି ନିସ୍ତାର, ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାପ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହେଇକିରି ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସରିବା
रूपक जो शरीर को धारण जेहेतु आम करे सेतु आम सदा सर्वदा पाप पंक मध्य जड़सड़ हो थाए तेणु पाप पंक रु उधार पाइबापी ये जो विजया नाम कहते एकादशी कारण ये संसार रे जो माने ये पाप पंक रु उधार हेबे कौन करिबे ना पाप पंक भरा ये होचंती शरीर ये संसार या भीतर उधार हवा को हेले पंक को उधार करिबा को पड़िबो प्रकारांतर भगवान शंकर से दिग्दर्शन दौंती अरे कथाटा कौन कि भगवान शंकर होचंती सीए सत चित आनंद परमात्मा जहां पाखरे कौन सी पंक नाही से निर्मल भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जभ्यां भी नाम न पश्यंती सीधा स्वांत स्थमीश्वरम तेणु जो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणौ श्रद्धा एवं विश्वास सहित जो भवानी शंकर जहां उपासना कले आमर निश्चित भाव कल्याण साधित हब तेणु ये संसार रूपक पंकरु आम हूं उधार केमी हवा ना पंक को उधार कले तेणु से भगवान शंकर हूं आशुतोष ता दया ना किपरना से कह जा कहले आयुर्नश्यति हि पश्यतां प्रतिदिनं प्रभु जाति क्षयं यौवनं हे मणिमा देवाधिदेव महादेव आपण तो जानती आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं आयु आमर प्रत्येक दिन होचंती क्षीण होची एतरे संदेह नाही प्रतिदिनं दिन गला राति आसीब राति पाइब ठीक राति पाइला परे आमे जानिबा आमर गोटे दिन आयुष कमिला अर्थात मृत्यु को आमे गोटे दिन निकटवर्ती हेले तबे आमर पंक उधार हेची तो भगवानंकर पंक उधार एठी होची एटा केवल लीला करिबा पाई कारण जहाँ आमे आपण माने पार्थिव जगत को जदि आसीबे भगवान शंकर जी की लोकनाथ महाप्रभु प्रख्यात शिव श्रीक्षेत्र भंडार रक्षक भगवान पुणी मंत्री कारण जगन्नाथ महाप्रभु मंत्री बोली कहु तर पंक उधार हवा सहित भारत बर्षर विविध शैव मंदिर मानक भगवान शंकर जो स्थान जल साई मध्य अच्छा पंक उधार होता है अर्थात तो वर्ष सारा मानसिक स्तर रे प्रत्येक भक्त जिते बड़े जहा दिए भगवान शंकर को जो अर्पण करा जाई थाए जेहेतु जलभाग मध्य रे भगवान महादेव सदा सर्वदा बुड़ी थांती प्रत्येक हूं दिव्य पदार्थ को छाची नबात को ठारू आरंभ करी बिल्व दल बिल्व पत्र जहाँ को एवं नाना प्रकार पुष्प भगवान शंकर दुदुरा गयस ठार आरंभ कर अपराजिता सुगंधराज चंपा फूल पर्यंत विविध प्रकार पर्णांग जाति करवीर रसाल पुष्पे विभिन्न प्रकार होती भगवान सुगंधित पुष्प जहाँ सब अर्पण करा जाई थाए से जलभागर आ उधार हो न था से लिंग को आच्छादित करी बरस सारा भगवान पाखरे से थाए एवं प्रसाद आकार रे ताकु उधार करा जाए एवं पार्थिव जगत रे स्वतंत्र भाव होमें पंक उधार कही थाए किंतु जदि आध्यात्मिक जगतर चिंतन मध्य आम देखा तेब निश्चित भाव पंक उधार कहिले
होउचंती भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जदीच पांचोटी महादेव स्वतंत्र भाव रे श्री मंदिर सहित जड़ित तथापि लोकनाथ महाप्रभुंकर केवल ही पंक उद्धार होता है कारण आउ कौनसी महादेव इठी जल भाग रे बुड़िकिरी नाहंती जेउ माने जेउ मनुष्य आजीर दिन रे ए एकादशी व्रत करिबा सहित भगवान शंकरंक पाखरे ये जो होउचंती कालीमा गुड़ाक रहिजी अंतरात्मा मध्य रे विभिन्न प्रकार इच्छा द्वेष संघात चेतना धृति विभिन्न प्रकार जो होउचंती भाव रहिजी कारण ये 25 प्रकार प्रकृति भीतर अछि ना तेणु पंचविशति प्रकृति को एकाधार रे निष्कासित करी काय मन वाक्य रे भगवान को पाखरे जिए समर्पित हुए वास्तव ज्ञान रे तार पंक उद्धार होला बोली कहिबा खाली जे पंक उद्धार एकादशी रे दर्शन कर देले पंक उद्धार हमर होई गेला ता नहीं ए भगवान कर सिना होई गेला हमर कोन होला तेणु आमुकु बहुच पंक उद्धार होई भगवान करो जहा कि चरणारविंद रे समर्पित हबा को हेले जे पंकर उद्धार हबो से विजय प्राप्त हबो सेथि पाई अन्य नाटी हला विजया एकादशी तेणु सही कथा भगवान ब्रह्मा जी श्रेष्ठ देवता आर्यावर्त भूखंडर श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा से कहिछंती नारद को नारद जेतु तांकर मानस पुत्र को कहिछंती अनिश्चित भाव रे आ भगवानंकर सानिध्य लाभ करी नारद सही कथा पचारथिले तेणु ये होचंती ये पंक उद्धार एकादशी कारण प्रत्येक एकादशीर गोटे महात्म्य भी अछि तेणु 24टा जाक जो एकादशी अछि आपण माने मध्य आमर जा होचंती प्रख्यात श्रीक्षेत्रर शैव मंदिर श्री श्री लोकनाथ महाप्रभु जो स्थान रूपंक उद्धार हबो आमर सहयोगी श्रीयुक्त शेषदेव साहू महोदय से आपण मानक मध्य तार सीधा प्रसारण माध्यम रे से दृश्य देखेबा सहित निश्चित भाव रे महाप्रभुंकर लोकनाथ मंदिर ठारु आमर सीधा प्रसारण मध्य जारी रहिबो ए त व्यतीत ए पंक उद्धार संपर्क रे जदि आमे चिंता करिबा तृतीया जुगरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जतेबेले लंका आक्रमण करिबा पाई समुद्र कूल रे पहुंचिले सेतेबेले तांकु समुद्र पारी हेबा पाई कोनोसी उपाय देखा जाउ नथिला एवं से लक्ष्मण को पचारले हे होउचंती लक्ष्मण सुमित्रा नंदन केउ उपाय रे एई समुद्र को पारी करा जाई परिबो या अत्यंत गभीर एवं भयंकर जल जंतुरे मध्य परिपूर्ण विविध प्रकार जलचर जंतु मध्य अछंती एहाकु सुगमता पूर्वक किभली भाव रे पारी हबा एई कथा जतेबेले पचारले एवं मते काहेकि कौनसी प्रकार उपाय देखा जाऊ नाही लक्षण सेठी कहिले प्रभु आपण ही होउचंती आदिदेव पुराण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम आपण को कौन अछपा अछि जे मु से कथा कहिबी एठारु अधा योजन दूर रे कुमारी द्वीप रे जे कि बकदा लभ्य मुनि रहउचंती आपण सही प्राचीन मुनीश्वरंक पाख को जाई एहार उपाय पचारंतु एवं श्री रामचंद्र मध्य मुनिंक पाख को गले बकदालभ्यंक आश्रम रे पहुंचले मुनिंक प्रणाम कले महर्षि प्रसन्न होई श्री रामकर आगमन कथा पचारथिले श्री रामचंद्र कहिले मुनि श्रेष्ठ मु लंका रे पहुंचिबा को चाहुंची कारण जहाँ कि हमरो धर्मपत्नी की रावण हरण करि नै छंती तेणु मु लंका रे पहुंचिबी समस्त बानर सेनांक सहित मु लंका रे जाई पहुंचिबा पाई चिंता करुची
କିନ୍ତୁ ଏ ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପାରିହେବି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ବକଦାଲଭ୍ୟ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଜୟା ନାମକ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ଏହାର ବ୍ରତ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ବାନର ସେନା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବକଦାଲଭ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ଦିନ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଅଥବା ମାଟିର ଗୋଟିଏ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯାହାକି ପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲବ ଅଥବା ଆମ୍ର ପଲ୍ଲବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନଚେତ ସେଇ କଳସରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ସାରି କଳସକୁ ପୁନଃ ପୂଜା କରି ମାଳା ଚନ୍ଦନ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜନ କରିବେ କଳସ ଉପରେ ସପ୍ତଧାନ୍ୟ ଜବ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ କଳସ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାରା ଦିନ ବିତାନ୍ତୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ କାରଣ କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବତା ତେଣୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେହେତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଇଏ ବ୍ରତଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯାହାକି ଅଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଳିବେ ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ କଳସକୁ କୌଣସି ନଦୀ ଝରଣା କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ତଟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏହାର ବିଧିବତ ପୂର୍ଜନ କରି ଦେବ ପ୍ରତିମା ସହିତ ସେହି କଳସକୁ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ କାରଣ ଦେବ ପ୍ରତିମା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଆପଣ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ କଳସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା ଶ୍ରୀରାମ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଏଇ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ବା ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ଯେହେତୁ ମୁନି କହିଥିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାରଦ ଏ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ମୁନିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟରେ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମରେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେହି କାଳରୁ ଏଇ ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଲୀଳାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା ରହିଛି ଇଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମହାନତା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
पवित्र पंकु उधार एकादशी अर्थात निजर अहंकार रूपक पंक को गर्व अहंकार मान यू जो हूँ षड़ रिपु एगुड़ी को हूँ उधार करी भगवान शंकर चरणारविंद निजकु समर्पित करें प्रकृत पंकु आम उधार हेले बोली जाणी तेणु से निरवच्छिन्न भाव जहाँकि गोटे स्वतंत्र भगवान मन पाखरे मन को मन ध्यान दे प्रभुंकर पाखरे समर्पित पूर्वक जो माने ये एकादशी व्रत करती निश्चित भाव प्रत्येक कार्य विजय होता है तेणु ये एकादशी नाम टी होती विजया एकादशी सुंदर कथा भगवान श्रीराम पुणी कर नुह तृतीया जुगर ये एकादशी ही आसी से जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जिते गुड़े सब रीति नीति लीला सब रही कारण प्रत्येक रीतिनीति अनुसार आपण मैंने देखुं भगवान बेश श्रृंगार पाखे चली वस्त्र पिंधिया भगवान श्री श्री पतित पावन पुष्प श्रृंगार एवं फाल्गुन मासर जो कृष्ण पक्ष पंकोधार एकादशी गोविंद को मध्य होती आराधना करार विधि रही लक्ष्मी सरस्वती दोल गोविंद ये मानक आराधना करा जाई थाए तेणु युव कार्य कले ये जो एकादशी व्रतटी जो मैंने करे पितृकूल मातृकूल एम हूँ मंगल होता है ये एकादशी गोटे स्वतंत्र एकादशी जार नाम विजया एकादशी बापं उधार एकादशी से जो माने प्रकृत रे चबीश एकादशी तो करती निश्चित भाव गोटे स्वतंत्र शुद्धपूत भाव प्रत्येक मासरे आमर चबीश एकादशी मध्य नामकरण रही प्रत्येक एकादशी तेणु से अनुसार अनेक भक्त माने अनेक साधुसंत माने एकादशी व्रत करती वास्तव में से एकादशी व्रत टी होती त्रिदिनात्मक व्रत तेणु ये त्रिदिनात्मक व्रत भाव एकादशी व्रत को पालन करा जाई थाए जदिच कौन सी कारण त्रिदिनात्मक व्रत पालन करी न होए तथा गोटे दिन पालन कले तार फलश्रुति निश्चित भाव मिल से श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जिते गुड़िए रही दिन ता स्वतंत्र ये एकादशी जो हूँ महानता रही ये महानता हूँ स्वतंत्र से भगवान पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण भाव एकादशी व्रत पालन कले निजर कल्याण हवा सहित अंतकाल आम वैकुंठ गति पाई तेणु वैकुंठ गति पाइबा को हेले भगवान करो सानिध्य लाभ करबा को हेले निश्चित भाव आमको होती संपूर्ण समर्पण भाव रहिबा दरकार समर्पित भाव भगवान करो सानिध्य लाभ करी पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान क्षेत्र सकाळु आपण माने देखुचंती भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को भक्त माने मध्य दर्शन पाई आसीचंती एवं दर्शन करी भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा प्रसाद लाभ पूर्वक प्रत्यावर्तन करिवे एवं तंकर दुख सुख भल मंद प्रभु को जनई भक्त प्रत्यावर्तन करिथाय सेथिपाई प्रशस्त दिवस आउ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जिते हूँ रीति नीति लीला सब रही लीला विद्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर माया संसारे जार लीला जनाम भव जले भेड़ा तेणु ये माया संसार रु उधार हवा पाई आउ भगवान सानिध्य लाभ करने आम निश्चित भाव
प्रत्येक दिन तो भगवान नित्य किसी आराधना करने कथा कारण जे आमको होते बेलर विपद पड़ब आम भगवान को डाक विपद कटिगला भगवान ना पास रहीगला तेणु सी हूँ भगवान प्रति जो अनुराग रखी निश्चला भक्ति भाव आराधना करार धारा नुहति वास्तव भगवान पाखने निरंतर होती भाव रहा दरकार प्रत्येक दिन जेहेतु आम सांसारिक मनीष निश्चित भाव में कि समय आम प्रभु दरबार में आमको दवा दरकार आम से पवित्र लोकनाथ महाप्रभुंर यही मंदिर पाख तांकर सेई सम्मुख भागरु सीधा प्रसारण माध्यम रे आमे पार्वती सागर सहित भगवान श्री लोकनाथ प्रसिद्ध पंच महादेवंक मध्य रे स्वतंत्र महादेव तांकर सेई स्थान एबे देखिले कारण आमर सीधा प्रसारण द्वारा आपण माने अपूर्व प्रकार दर्शन करुचंती ठाकुरंकर सानिध्य लाभ करुचंती प्रभुंकर होउचंती पार्वती सागर बोली कहा जाए कारण श्री श्री लोकनाथ महाप्रभु जो पार्वती सागर कारण से पोखरीर नाम हूँ पार्वती सागर अंतर प्रदेश मध्य भगवान शंकर सहित संयोगीकृत एवं आज जेहेतु पंकोधार एकादशी आपण माने देखुचंती भक्त माने भगवान श्री श्री लोकनाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई व्यग्रतार सहित स्वतंत्र भाव रे समस्ते होती चलचंचल हो धाड़ी ठिया होती बैरिकेड मध्य करा भक्त माने मध्य भाव भक्तिर सहित ठाकुर को दर्शन करने प्रयास जारी रखी एवं महाप्रभु सानिध्य लाभ करिबे आज भगवान शंकर से लोकनाथ मंदिर आम देखुचे ध्यायी नित्यम महेशम रजतगिरी निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पज्वलांगम परसमृग भरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतिममर गणी व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलभयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम जो पंचवक्त्र त्रिनेत्र भगवान शंकर त्रिसिंह वृषभ विराजमान करिछन्ति प्रातः कालरु चलचंचल समस्त भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई उत्कंठार सहित से स्थान पहुँची सारी तेणु भगवान शंकर जो मंदिर परिसर मध्य आम देखुचे ये श्री लोकनाथ महाप्रभुंकर मंदिर एवं चारिआड़े आस्ते आस्ते भक्त मानकर भक्त समागम है प्रभु को दर्शन करिबे पंकोधार पवित्र एकादशी सुंदर भाव रे आज मात्र गोटे दिवस भगवान शंकर लोकनाथ महाप्रभुंकर दर्शन ही थाए एवं वर्ष सारा भगवान सौचंती पंकरे थांती तेनु तांकु दर्शन मिली न थाए आज गोटे दिन महाप्रभुंकर पंक को उधार करा जाए सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर ये एकादशी पाई पूर्व प्रस्तुति अनुसारे प्रभुंकर दर्शन भक्त माने करंती एवं दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करिबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले पवित्र दिवस अनेक भक्त मान मध्य दर्शन करी फेरिबार दृश्य आसुची आउ अनेक भक्त मान मध्य दर्शन करिबा पाई प्रयास जारी रखिछंती तेणु प्रभुंकर दर्शन करिवे एवं प्रभुंकर कृपा लाभ करिवे एथिपाई प्रत्येक मुहूर्त जहाँकि भक्त मानकर चली जावासार गोटे पवित्र धारा तेणु आपण मैंने देखुचंती एबी मध्य ठाकुर सानिध्य लाभ करने भक्त मैंने उत्कंठार सहित जा पहुँची सारी एवं दर्शन पाई भिड़ लगला ठाकुर दर्शन भक्त मैंने करे महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करिवे एतत व्यतीत प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी निजकु होउचंती समर्पित पूर्वक महाप्रभु को मुंडिया मारी भक्त माने आज आसी थांती पवित्र दिवस विशेष भाव रे पंच महादेवंक मध्यरे केवल लोकनाथ महाप्रभु जल भाग रे बुड़ी किरी थांती वर्ष सारा
आज पंख उधार हेले दर्शन होता है आपण माने सही स्थान रो अपूर्व दृश्य को देखुचंती। ये हूँ विभिन्न प्रकार महाप्रभुंकर मंदिर परिसर मध्य जहाँकि प्रभुंकर विविध नाग अच्छा ये हूँ भगवान को सब विभिन्न प्रकार रूप सब गोटे रही सब प्रदान करा जाए था से दृश्य आसुची। तेणु जाऊ आमर ये सीधा प्रसारण जारी रहा मोर सहयोगी जी कि पंडित भजराम शतपथी मुझे अनुरोध करी महाप्रभुंकर जो लोकनाथ महाप्रभुंकर मंदिर सीधा प्रसारण आमर जारी रही धारा को से आग को ने जय जगन्नाथ जय।